ये सांप पकड़ के लाए, ये देखें। ओए होए, ये कौन सा सांप है भाई? इनके आज दोपहर का खाना बन गया है, इनको सांप पिलाए, ये अभी जाकर पकाएंगे। मैंने पूछा इनसे, गाँव देहात इस तरह के हैं देख सकते हैं। और ये फिशिंग पॉन्ड है शायद, यहाँ पे इन्होंने अपनी फिशिंग वगैरह करते हैं। ये इन्होंने पाल रखी है, फिश फार्म कह सकते हैं इसको। ये देखें, यहाँ ने लोगों ने फिश फार्म बनाए हुए अपने गांव के अंदर, साथ साथ खेती बाड़ी भी हो रही है और फिश फार्म भी चल रहे हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, क्योंकि फिश बहुत ज़्यादा खाते हैं यहाँ पर लोग, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो मेरी अभी राठौर भाई से बात हो रही थी, राठौर भाई ने मुझे काफ़ी मालूम दी है यहाँ के लोगों के हवाले से। तो कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना गरीब लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन रिसोर्सेस हम देखते हैं कि किस तरीके से कमाया जाए, कैसे रखा किया जाए, गुजारा कैसे किया जाए। तो अभी बस चल रहे हैं आगे, चल के देखते हैं सर। वेलकम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं कंबोडिया के अंदर, कंबोडिया का एक रूरल एरिया, रिमोट एरिया के अंदर। ये समझ लें कंट्री साइड या गांव है कंबोडिया का एक ऐसा, जहां पे लोग खेती बाड़ी करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। तो मैंने कहा शहर की लाइफ तो हमने देखी हुई है, लेकिन यहाँ की कंबोडिया की जो है वो लोकल लाइफ भी देखी जाए। ये मुझे यहाँ से बहुत सीखने को मिलेगा और आप लोगों को भी कुछ नया देखने को मिलेगा। तो मैं एक गाँव में पहुँचा हूँ, किसी इस गाँव का नाम तो मुझे नहीं जबान पे चढ़ रहा, मैं भाई से पूछूंगा इस गाँव का नाम क्या है। तो ये शहर से काफ़ी दूर है, सीम रेप शहर से, और क्योंकि ये सारा कच्चा रास्ता है, इस कच्चे रास्ते से मैं आया हूँ, जो कि शुरू में आपने देखे भी होंगे कुछ शॉट्स। तो बस ये सारा जो है ना यहाँ पर फिशिंग वगैरह और फार्मिंग वगैरह की जाती है। तो अभी यहाँ पे हम पहुँचे हैं, भाई से पूछते हैं क्या जगह है ये, और यहाँ पे हम जो आए हैं अभी मज़ीद हम यहाँ क्या देखेंगे। ये कोई जगह बनी है, लेकिन यहाँ पे हवा बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बड़ा ठंडा हो रहा है ये। हेलो राठो, राठो हाउ आर यू, हाउ आर यू भाई? राठो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है यार, राठो के साथ। मीट यू अगेन, दिस इज सेकंड डे, सेकंड डे, ओके। दिस इज वन आई वांट टू शो यू, दिस इज द बिग लैंडस्केप, या हाउस द सैम्पेट ऑफ द टोनले साप, लाइक वी कैन यूज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द 2 months go, 2 months more, सो द वाटर इज वाज हाई एंड एवरीवेयर अ लॉट ऑफ वाटर एंड दे कैन लाइक catch the fish, yeah, to make a business. When the dry up season, all the landscape, so the people, they use that to growing the rice. Okay. So the landscape is very good to feeding the rice or some vegetable that the farmer they growing. And अच्छा, ये राठौर भाई का कहना ये है कि जी ये जगह पे पानी आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे आके फ़िशिंग की जाती है, और उसके बाद जब पानी उतर जाता है तो यहाँ पे लोग सब्जियाँ उगाते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे जो है चावल उगाए जा रहे हैं, मैंने अभी देखा था चावल की वो जो होती है फसल, वो लगा रही थी, लग रही थी यहाँ पर। तो अभी भी जो है चावल ही शायद यहाँ पर लगा है, क्योंकि पानी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पानी की ज़रा मकदार ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे चावल लगाए जाते हैं और लोग इसी तरह अपना गुजारा करते हैं। सो हाउ अबाउट द दिस विलेज नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस? दिस विलेज वी कॉल प्रण विलेज, व्हाट प्रण? चिरियो विलेज, चिरियो विलेज, वी कॉल चिरियो विलेज। एंड आल्सो लाइक द विलेज, द विलेज is developing by the some part money of the government, but little bit, and then some association or charity that the Pakuda, the monk, is collect the big money to to build like development, like develop the good roads or dig the like the river for growing the rice field when the dry up season, and they make the place for the people that was stressed to come here drink beer or eating meeting, so because fresh तो भाई ये कह रहे हैं कि जो जगह बनाई है यहाँ पे लोग आके खाते पीते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, शराब दारू ये वो हर चीज़। तो विच प्लेस इज दिस, हाउ दे यूज फॉर दिस प्लेस, फॉर विच पर्पज़?
The monk, the monk. Monk, what? Yes, mean like the charity of the pagoda. Pagoda is mean like the people that respect to the Bodhi religion. It's the one guy is no hell and then he put like the orange. Yeah, monk, monk. Yeah, the monk, the monk. Monk. Yeah, the monk, the charity of monk. Okay, yeah. Okay. The monk is collect money from everywhere. Some monk they learn from the Western country and then they made like a good charity that they get from somebody. They have the good kindness to want to have the people living in Cambodia. So $1 or $2, 2,000 or 1,000, they collect a lot. Collect and then, come to develop. Yeah. And also like the place, so we are appreciate to the man. The name of the pagoda is Wat Pran. Okay. तो भाई ये कह रहे हैं कि मॉन्ग जो हैं वो पैसे इकट्ठे करते हैं सबसे, किसी से $1, किसी से $2, किसी से 1,000, और वो आके फिर यहाँ पे स्पेंड करते हैं, कुछ इस तरह की मेरी समझ में ये बात उनकी। तो ये है जी, गांव है छोटा सा, सामने देखें वो कैसे ज़बरदस्त जो है ना वो बने हुए हैं, हट्स बने हुए हैं, इनके तो घर ही होंगे। ये देखें जी, ये इन्होंने एक छोटी सी यहाँ पे अपना ढाबा सा खोला हुआ है, और इसके अंदर जो है इन्होंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं, और ये देखें ये कपड़े वगैरह इनके सूख रहे हैं, मेरे ख्याल से घर भी इनका यही है, और ये झूला डाल के ऐसे लेटे होते हैं यहाँ पे। हेलो हेलो, सो ये देखें जी यहाँ पे, दिस इज़ योर हाउस, दिस इज द प्लेस द for he come to make the business. Okay, yeah, okay. Like his house. His house. भाई ये business करने कह रहे हैं कि यहाँ पे काम करने आती हैं, लेकिन ये समझ ले कि इनका घर भी है, और ये इन्होंने अपनी दुकान बनाई हुई है, इसके अंदर पता नहीं बेच कर रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये इन्होंने चूल्हा रखा है, यकीन यहाँ पे कोई फिश वगैरह सेंकती होंगी ये लाजमी, लेकिन मुझे यहाँ पे जो है ना सब्जियाँ ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ये देखें भाई झूला झूल रहे हैं, आराम से लेट के मज़े कर रहे हैं मज़े कर रहे हैं इधर झूले के अंदर। और मैंने कहा चलें ये आपको दिखाया जाए कि यहाँ पे लोग यहाँ भी ऐसे रहते हैं जैसे पाकिस्तान में लोग गांव देहातों में रहते हैं, यहाँ पे भी कुछ इस तरह की लाइफ है। तो ये देख लें खातून बैठी हैं, लेकिन ये इनका रूरल एरियाज में ज़रा मसला ये है कि इनको समझ नहीं आती है अंग्रेज़ी, ज़रा सी भी समझ नहीं आती है, हेलो के अलावा और कुछ नहीं समझते। तो इसलिए मैंने जो ना राडो भाई को साथ रखा हुआ है, तो अगर मैं कोई बात बोलता हूँ तो ये समझा देते हैं आगे से। योर नेम? मजमू सरई था। हाँ, शी इज़ योर डॉटर? कौन सराई? हाँ, योर गुड नेम? सरनीत। डू यू स्टडी स्कूल? या विच ग्रेड? क्लास 2, 3, 4? करेक्ट 6। 3? करेक्ट 6। वाओ, वेरी नाइस। योर फेवरेट सब्जेक्ट, टॉपिक, फेवरेट बुक? साइंस, कंबोडियन स्टडीज, भाई ये तो राडो भाई भी नहीं बता सके उसने क्या बोला, मारी थांग बोल दिया ना मुझे। तो ये देखें झूले लगे हुए हैं, आए जी इस झूले में लेटते हैं, अगर आप लेट के एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसा फील होता है झूले में लेटना। ले जी इस झूले में मैं भी लेटा हूँ, मैं कहा चलो लेट के देखते हैं कैसा लग रहा है, मुझे तो बड़ा मज़ा सा आ रहा है। आए हाय हाय क्या बात है, ओए होए होए भाई इस झूले में झूलना मेरे लिए, मैंने ज़िंदगी में पहली बार इस तरह का झूला ले रहा हूँ, और वो भी कंबोडिया जैसे मुल्क के अंदर, उसके रूरल एरिया में, गांव के अंदर आके मैं ऐसे मज़े ले रहा हूँ। मुझे भाई अंदाज़ा नहीं था कि ये सब करने को मिलेगा, लेकिन ये यहाँ की लोकल चीज़ें हैं जो कि करनी चाहिए, और मैं कर रहा हूँ। क्या बात है इस तरह से भाई लोग रहते हैं, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, झूला झूल रहे हैं, मछली चल रही है, खाना खा रहे हैं, तो ये लाइफ है यहाँ पे गांव की। भाई ये साथ साथ जो मैं लेटा हूँ मेरे साथ ही एक मेरे साथ ही जो मैं लेटा हूँ मेरे साथ ही जो ना ये देखें ये एनवायरनमेंट है, यहाँ बत्तख हैं और डॉगी भी हैं इधर, और ये जो मुर्गा मुर्गी ये भी पाले हुए इन्होंने, और इस तरह से मवेशी भी साथ रखते हैं। ये देखें पूरा यहाँ का मंज़र है सारा, इस तरह से लोग जो ना यहाँ रहते हैं,
और ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बीच पे आ गया हूँ। क्या मज़ा आता होगा यार बीच पे झूला झूलने का इस तरह से, मुझे तो यहाँ इतना मज़ा आ रहा है। और मैं तो बहुत दिल कर रहा है मैं यहाँ से जाऊँ ही ना, यहीं पे बैठ के आज का दिन पूरा गुजारूँ। तो मेरा दिल था कि मैं किसी ऐसे गांव में किसी के घर में ऐसे गुजारूँ दिन, लेकिन बस थोड़ा सा मसला ये होता है कि उसके लिए थोड़ा सा आपको शहर से बाहर जाना पड़ता है, जो कि थोड़ा रिस्की लगता है मुझे जाना है, इस सेंस में कि अगर कुछ ना हो सका तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगी, और फिर उसके बाद एक्सपेंस भी आपके पड़ जाते हैं ना, फिर आपको मजबूरी में प्राइवेट टैक्सियाँ गाड़ियाँ हायर करनी पड़ती हैं। तो लेकिन मैं दिन में ये काम कर सकता हूँ, राडो भाई को मैंने इसीलिए साथ लिया है, इनको मैंने 2 दिन के लिए बुक किया अपने साथ और ये सारा मैं घूम रहा हूँ। भाई आंटी ने इतनी हेल्प की है तो मैंने कहा इनसे कुछ ख़रीदा जाए, यहाँ से हम कुछ खा के जाते हैं ऐसे नहीं। मैंने कहा चलो मुझे ना ये काट के दो जो अपना अमरूद है, अभी अमरूद काट रही हैं, ये अमरूद खाएंगे ताकि इनका भी कुछ भला हो और इनको भी कुछ मिल जाए और हमें भी कुछ मिल जाए। तो अमरूद खाते हैं उसके बाद लो भाई आ गया, इन्होंने काट के दिया है, कुछ सॉस भी दिया है, उसको खाते हैं, पता नहीं क्या है ये, कौन सा फ्रूट है, दिस इज फ्रूट, ये फ्रूट आल्सो, भाई को फ्रूट है लेकिन बहुत मीठा नहीं है, बहुत लाइट है, साथ ही सॉस दिया। अरे बा सुन सुन चान पे डा बा नहीं है I'm talking with my friend. Yeah, what what we have mistake before that we learning to completely with Facebook or yes, YouTube. Yes, yes. Sure, sure. Maybe इन्होंने अपना प्लेट लिया है, प्लेट में डाल लिया है। भाई फीके के अमरूद, इतने फीके अमरूद कभी जिंदगी में नहीं खाए मैंने यार, इतने फीके ही हैं। चलो कोई नहीं, मैं तो इनकी मदद करने के लिए बैठा हूँ, तो मैं इनकी हेल्प कर दूँगा थोड़ी सी कुछ खा कर। और ये देखें इन्होंने केरी भी काटी साथ, बहुत खट्टी है, दिस इज सॉल्ट, आई लाइक स्पाइसी। भाई ये देखें ये सॉल्ट है इनका, भाई अभी आप झूला झूल रहे थे ना इधर, ये झूला झूल रहे थे, आई दिखाए प्लीज, शो मी ये सांप पकड़ के लाए, ये देखें, ओए होए ये कौन सा सांप है भाई, ये जी सांप पकड़ के लाए, ये देखें ये भाई इनके आज दोपहर का खाना बन गया है, इनको सांप मिला है, ये भी जाकर पकाएंगे, मैंने पूछा इनसे कह रहे पका के खाएंगे दोपहर के खाने में हम लोग, अरे भाई सर ले जी यहाँ से बस इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छी वीडियो लेकर आऊँ अगली वीडियो जहाँ मैं जा रहा हूँ, मेरी कोशिश होगी कि वो वीडियो बड़ी जानदार बड़ी अच्छी हो, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी, ये वीडियो भी आपको थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर लाइक और शेयर करेंगे तो मुझे ज़रा मोटिवेशन मिलेगी और इतनी दूर आने का मुझे कोई फल मिल जाएगा, तो बस इसी तरह देखते रहें, दुआएं देते रहें और कमेंट्स करते रहें, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।